हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की कुछ काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और इसी के साथ में हम जानेंगे आज सराफा बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। तो दोस्तों आज हो चुकी है 8 नवंबर 2019 और मोदी सरकार की ओर से आम आदमी के लिए कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। और इसी के साथ में अयोध्या मामले और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान आने वाला है, वह भी हम जानेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे रंजन गोगोई जो है 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने वाले हैं और उनके रिटायरमेंट से पहले ही अयोध्या मामले को लेकर एक बड़ा ऐलान सरकार की ओर से आ सकता है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए अयोध्या में सभी जगह पर जो है मंदिर मस्जिद को खाली करवा दिया गया है, सार्वजनिक जगहों पर से लोगों को हटा दिया गया है। और इसी के साथ में अयोध्या में 4000 अतिरिक्त सुरक्षा बल को जो है तैनात किया गया है। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी अयोध्या मामले को लेकर सरकार की कड़ी नजर है। और इसी के साथ में सोशल चैटिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप में भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है, वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की पहली खबर है, यहाँ पर सरकार ने तय की हर बच्चे की दिनचर्या, पढ़ने, गेम खेलने और सोने पर भी लगा कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन सोचिए क्या हो जाए अगर बच्चे की जो दिनचर्या है वह सरकार तय करने लग जाए। सरकार के द्वारा जो तय किया जाएगा कि बच्चा कितने बजे तक पढ़ाई करेगा, कितने बजे तक सोएगा और कितने समय तक गेम खेलेगा, यह भी सरकार के द्वारा तय किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि भारत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन की सरकार ने जो है बच्चों के होमवर्क करने, गेम खेलने, पैसे खर्च करने और सोने को लेकर पाबंदी लगा दी है। चीन की सरकार के नियम के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है रात को 10 बजे के बाद जाग नहीं सकते है। और इसी के साथ में अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम की है तो वे रात को 10 बजे से लगाकर सुबह के 8 बजे के बीच में गेम नहीं खेल सकते। तो इस तरह के जो नियम है चीन की सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। चलिए तो आज की अगली खबर है, अयोध्या राम मंदिर मामले पर इस तारीख को आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए वजह। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े विवाद अयोध्या मामले पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कब तक फैसला सुनाएगी। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के समय है, तो इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई से जुड़े लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 13 से 14 नवंबर के बीच में संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट जो है अयोध्या मामले को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर फैसले से पहले अयोध्या से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। खास तौर पर फैसले के 24 घंटे पहले अयोध्या को पूरी तरह से सील करने की संभावना है। और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सचेत रहने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी में 4000 अतिरिक्त जवान भी भेजे गए। चलिए तो आज की अगली खबर है, एटीएम से पैसे नहीं निकले तो देने होंगे 20 रुपए, आईडीबीआई का नया नियम। जी हां दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। आईडीबीआई ने दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालने संबंधित नियमों में जो है बदलाव कर दिया है। तो अगर आप भी आईडीबीआई बैंक के ग्राहक है तो आपको यह नियम जान लेना चाहिए। और नए नियम के अनुसार यदि आईडीबीआई बैंक का कोई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालता है लेकिन एटीएम के अंदर अगर पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से पैसे नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन फेल होने पर आईडीबीआई बैंक के ग्राहक को 20 रुपए का चार्ज देना होगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, 7 पुलिस अधिकारियों को किया जबरन रिटायर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रांतीय पुलिस सेवा के 7 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है। सरकार ने यह फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया है। दरअसल योगी सरकार प्रदेश के हर विभाग में अफसरों की स्क्रीनिंग करवा रही है और ऐसे में जो पुलिस कर्मी भ्रष्टाचारी या फिर दोषी पाए जाते हैं उनको योगी सरकार जबरन रिटायर कर रही है। चलिए दोस्तों, तो बात करें सोने और चांदी के भाव की तो लगातार तीसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। चलिए तो बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3735 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 29880 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37350 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,73,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की तो 1 ग्राम के अनुसार 3,855 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,840 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,550 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,85,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में गोल्ड प्राइस की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत,
भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वहीं बात करें चांदी के भाव की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का ताजा भाव 46,835 रुपए पर चल रहा है। चलिए तो आज के मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।